कोर्स अवर यूट्यूब चैनल गाइस, सो एक और न्यू इंटर्नशिप आई है फ्रंट एंड डेवलपर की। कंपनी का जो नेम है वर्क रूम ऑटोमेशन है, हैदराबाद की कंपनी है। स्टाइपेंड जो ऑफर कर रही है 13-15K पर मंथ कर रही है एंड 7-8 आवर्स पर डे आपको स्पेंड करना पड़ेगा एंड ऑफिस लोकेशन वर्क फ्रॉम ऑफिस ही है, ठीक है। तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, यदि आप हैदराबाद में हो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो यदि जा पाओगे कॉलेज से आपको मिल जाएगा, यदि पास आउट हो या कॉलेज में हो, ठीक है। तो कॉलेज से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। यदि कॉलेज से पास आउट हो तो अच्छा है। ड्यूरेशन की बात करें 2 मंथ है, 7-8 आवर्स पर डे आपको स्पेंड करना पड़ेगा। स्टार्ट डेट इमीडिएट बनाना है। नंबर ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 1 है। स्किल जो मैंडेटरी यहाँ पे है, रिएक्ट जेएस है, जावास्क्रिप्ट, रिडक्स एपीआई है, ठीक है। एंड अबाउट द इंटर्नशिप की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप है, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू फुल टाइम रोल विदाउट ईएसओपीएस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द इंटर्नशिप, अंडरस्टैंडिंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद एंटरप्राइज कस्टमर्स ऑन देयर रियल चैलेंजेस, गेनिंग एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग ए प्रोडक्ट इन द इंडस्ट्री 4.0 स्पेस, गेनिंग एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग प्रोडक्ट फ्रॉम 0 to 1 इन एजाइल मॉडल। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रियक्ट जेएस आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे स्किल जो मैंडेटरी है ना, रियक्ट जेएस है, आपको रियक्ट एचटीएमएल सीएसएस रियक्ट आता है, तो इस रोल के लिए अप्लाई करो। बहुत सारी चीजें लिखी रहती है जॉब डिस्क्रिप्शन में बट होती नहीं, ठीक है। तो यदि रियक्ट जेएस आपको आता है एंड कुछ पास में प्रोजेक्ट किए हुए हो तो क्या करो, क्यूबेट पे अकाउंट बनाओ एंड जो भी प्रोजेक्ट किया उसको क्यूबेट पे डालो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना ना कि एक वीडियो बनाना, जो भी प्रोजेक्ट है उसका वीडियो बनाना है स्मॉल स्मॉल और एक्सप्लेन करना क्या काम किया उसमें, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रोफाइल का शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। एंड प्रोफाइल जब शॉर्टलिस्ट होगा ना, उसके बाद एक असाइनमेंट मिलेगा आपको एंड उस असाइनमेंट को करोगे तो उसी बेसिस पे एक इंटरव्यू कॉल होगा। एंड आपका थॉट प्रोसेस क्या था असाइनमेंट को करने में, आपको इजी लगा, हार्ड लगा, कैसा वर्क स्टार्ट किया, ये सब चीजें पूछेंगे एंड उसके बाद आपको ऑफर लेटर रिलीज हो जाएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी अप्लाई कर सकते हो।